इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा वो दस तरीके जिनके द्वारा आप अपने माइंड में बैठे हुए डॉक्टर को जगा सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स आपका माइंड आपके लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है इसीलिए अधिकांश लोग जो इस कला को नहीं जानते वो या तो बीमारी को इनवाइट करते रहते हैं या फिर अगर बीमारी आ जाती है तो उसके साथ लड़ाई चलती रहती है सच बात तो यह है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं उन्हें हम हील करने की पूरी पॉसिबिलिटीज और एबिलिटीज़ रखते हैं लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि इन एबिलिटीज़ को हम किस तरह से एक्सेस करें या इनका यूटिलाइजेशन करें इसका हमें पता ही नहीं चलता तो मैं आपके साथ दस तरीके शेयर कर रहा हूँगा ज़रूरी नहीं है कि आप दस के दस तरीके लगाएं। हो सकता है कि जब आप इन तरीकों के बारे में सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको दस में से सिर्फ दो ही तरीके आपकी ज़रूरत हों और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हम अपने माइंड में बैठे हुए डॉक्टर को हील कर सकते हैं मेरा जवाब है हाँ हमेशा क्योंकि ये वो डॉक्टर है जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है और उससे सवाल उठता है कि किस तरह से इससे पहले कि मैं इस वीडियो में उन दस पॉइंट के साथ आपके साथ जुड़ूँ मैं सबसे पहले आपके ब्रेन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ हमें यही पता चलता है कि हमारे पास दो तरह के ब्रेन हैं एक लेफ़्ट ब्रेन है जिससे हम लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं अपनी लैंग्वेज को सिंटेक्स में डालते हैं कि कैसे सब्जेक्ट क्रिया वर्ब आएगी किस तरह से मैथमेटिक्स सॉल्व होगा हर चीज़ को हम लॉजिकली देखते हैं ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है दूसरा हमारे पास राइट ब्रेन है जिससे हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं चाहे वो डर की इमोशन हो या प्यार की इमोशन हो लेकिन याद रखिएगा इसके अलावा भी हमारे ब्रेन में इतनी फैकल्टीज या डिपार्टमेंट हैं या सब ब्रेन्स हैं कि आप चौंक जाएंगे हमारे पास एक रेप्टाइल ब्रेन भी होता है इसका मीनिंग है कि जब आपके पास खतरा होता है और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई ना कोई इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि आप अपनी जान को बचा लेते हैं इसे हम रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं और जिस ब्रेन से आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ उसे हम मैमल्स ब्रेन कहते हैं असलियत में हमारा ब्रेन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ जीता है लेकिन इन पर्सनैलिटीज़ को हम कभी जानते नहीं हैं अगर आप इन ब्रेन्स को थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे एन या न्यूरो साइंस में जाकर तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत बड़े भंडार के मालिक हैं जहाँ पर आपके पास पैसा है रिश्ते हैं सेहत हैं पर आज हम सेहत की बात करेंगे इसके बाद मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो दो बातें और भी हैं पहली बात यह है कि यहाँ पर एक वर्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है इंटीग्रेशन आप जब भी एक ब्रेन के साथ जिएंगे तो बाकी तीन चार जो ब्रेन हैं आपके मेन उनके साथ आप कनेक्ट नहीं करेंगे हो सकता है आप लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हों आप इंटेलिजेंट हों पर आप इमोशनली कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं या फिर आप दूसरे एरियाज़ में कमज़ोर हैं असलियत में ये हमारे बचपन से ही चीज़ें चलनी चाहिए लेकिन आज हम इस वीडियो में उसकी बात नहीं करेंगे इसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जी याद रखेगा जब भी आप अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको होल ब्रेन कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इसे समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि हमारे पास एक वर्ड है उसका नाम है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जब आप अपना काम कर रहे हो लेकिन वो पूरे सिस्टम में काम कर रहा हो जैसे आप एक परिवार में हर आदमी अपना अपना काम करता है लेकिन सारा काम मिलकर परिवार को आगे बढ़ाता है जिस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऑर्गन से हर एक ऑर्गन अपना काम कर रहा है हमारी जो इंटेस्टाइन से वो हमारे खाने को पचा रही है उसी तरह से हमारा हार्ट बीट कर रहा है लंग्स हमारे लिए ऑक्सीजन इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये बॉडी के लिए कंप्लीट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है याद रखिएगा इसी एक्टिविटी को आपको समझना होगा इसीलिए मैंने कहा है कि एक प्रतिशत से भी कम लोग इस न्यूरोसाइकोलॉजी को समझते हैं और ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड है एक बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट जिनका नाम है डेनियल जे सीगल उन्होंने सब कुछ आपके लिए समझाया हुआ है लेकिन कई बार हमें वो चीज़ मुहैया नहीं होती और इसीलिए हम उन चीजों से कई बार गड़बड़ कर जाते हैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं एक है होरिजोनटल इंटीग्रेशन होरिजोंटल का मतलब है कि आपके पास एक लेफ्ट ब्रेन है और आपके पास एक राइट right ब्रेन है राइट right? और आप इनके इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं कई बार आप लोग आप लोगों को देखेंगे उनका एक माइंड बड़ा स्ट्रोंग है या दूसरा माइंड स्ट्रोंग है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे इन दोनों लोगों के माइंड में एक बैलेंस है तो मैं कहूँगा कि ये हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड आदमी है लेकिन दूसरा एक और भी है जिसको हम वर्टिकल हॉरी आई मीन इंटीग्रेशन कहते हैं वर्टिकल का मतलब है कि जब आपका इनर पार्ट यानी कि जब आपका अपर पार्ट आपकी लोअर बॉडी को कंट्रोल करे, यानी कि आपका लेफ्ट माइंड और राइट माइंड मिलकर आपके नीचे के पार्ट्स को कंट्रोल करे या उसको गाइड करे, तो इसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं हमारी बीमारियों का अधिकांश कारण यही है कि हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं होते आज मुझे मालूम है कि ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे अगर आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड भी हो जाएं, और उधर आप होरिजेंटली इंटीग्रेटेड हो जाएं तो याद रखिएगा आप इस दुनिया के सुपर ह्यूमन बनेंगे पैसा हो सेहत हो रिश्ते हो आपकी आई मीन हैप्पीनेस हो आनंद हो सब में आप आगे बढ़ते रहेंगे ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ और मैं नहीं दे रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है न्यूरो साइंटिस्ट और या न्यूरो साइकोट्रिस्ट ने ये चीज़ ऑलरेडी हमें बता दी है सवाल ये उठता है कि किस तरह से इसे हम इंटीग्रेट करें लेकिन इससे पहले एक वर्ड मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा वो है हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये चीज़ तय हो गई है कि हमारा माइंड एक प्लास्टिक की तरह करता है हमारा ब्रेन बेसिकली एक प्लास्टिक की तरह काम करता है इसे समझ लीजिएगा इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन हमेशा मोल्ड होने के लिए तैयार है आपने प्लास्टिक को किसी भी शेप में डालना हो आप डाल सकते हैं उसकी उसका एक खिलौना ला हो उसकी आपने एक आर्टिफिशियल गन बनानी हो आप बना सकते हैं शूज बनाने हो शूज़ बना सकते हैं तो प्लास्टिक का गुण क्या है कि वो मोल्डेबल है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है न्यूरो प्लास्टिसिटी के जो एडवांस स्टडीज़ हैं उसमें ये पाया गया है कि आप अपने ब्रेन को हमेशा मोल्ड करते रहते हैं बगैर अपनी कंसेंट के बगैर अपनी चॉइस के कमाल की बात यह रहती है कि ये बचपन से शुरू हो जाता है और इस पर एज का कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये है कि आप किसी भी उम्र में अपने ब्रेन को मोल्ड करके अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन ठीक कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त सीनियर सिटीजन हैं और आपको कोई बीमारी है तो आप कभी भी निराश मत होइएगा याद रखिएगा मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो पूरी तरह से ऑथेंटिकली प्रूव हो चुकी है न्यूरोप्लास्टिसिटी में न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए मैं डिफरेंट वीडियो आपके लिए शेयर करूंगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ब्रेन को मोल्ड कौन करता है अगर हमारा ब्रेन मोल्ड होता रहता है तो इसे कौन करता है हमारे ब्रेन में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ब्रेन सेल्स होती हैं उन्हें हम न्यूरोन्स कहते हैं कहते हैं कि अस्सी से सौ बिलियन न्यूरोन्स हमारे पास होते हैं और जब भी कोई भी एक्सपीरियंस कोई भी अनुभव कोई भी मेमोरी कोई भी घटना कोई भी थॉट हमारे पास आता है तो ये इमिडिएटली न्यूरोन्स आपस में फायर करने लगते हैं इसका मतलब है ये एक्टिव हो गए हैं और इस तरह से एक सर्किट बनता है यूं समझिए कि एक न्यूरॉन बाकी दस हजार न्यूरोन के साथ जुड़ा होता है और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपके माइंड और बॉडी में पड़ा होता है याद रखिएगा इसमें कोई भी थॉट आ जाए तो इतनी तेजी से आपकी बॉडी में जाता है कि आप इससे कभी भी बच नहीं सकते जिस तरह से आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये आपके न्यूरॉन का ही तो नतीजा है कि आपके न्यूरॉन ने एकदम से खतरा देखा उसने एक न्यूरॉन ने दस हजार को अगले न्यूरॉन ने दस हजार को अगले न्यूरॉन ने दस हजार को और इस तरह से पूरे न्यूरॉन्स को पता चल गया कि हम खतरे में और वो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी को डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह से नहीं इस तरह से कर लो और आप बच जाते हैं इतनी पावर के मालिक हैं आप इतने बड़ी शक्ति के मालिक हैं आप पर सवाल उठता है कि ये जो हमारे आई मीन नेटवर्क बन रहे हैं इन्हें कौन बनाता है इन्हें बनाता है बेसिकली आपका अनुभव बचपन से जब से आप पैदा हुए हैं आपको हर पल कोई ना कोई अनुभव हो रहा है उस अनुभव को या तो आप अच्छी तरह से लेते हैं या गलत तरीके से जो अच्छी तरीके से लेते हैं हम उनको कई बार भूल जाते हैं लेकिन जो गलत तरीके से लिए वो हमारे न्यूरॉन्स में पड़े होते हैं और ये न्यूरॉन्स में पड़े हुए अनुभव हमारे हाइपोथैलेमिक रीजन को आप यूँ समझिए हमारे माइंड के रीजन को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और वो फिर हमें वर्टिकली यानी कि हमारी बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं यही वो मोमेंट होता है कि जब हमारी बॉडी अपना पूरी तरह से कनेक्शन या रिलेशनशिप हमारी वेलनेस के साथ खो देता है और जब उसका अपना रिलेशनशिप अपनी हमारी या माइंड की वेलनेस के साथ खो जाता है इसी मोमेंट को हम डिस कहते, है कहते हैं या डिजीज कहते हैं ये डिजीज विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स में आती है जिनका लोग नाम रख देते हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर सिम्टम है तो आपने एक बीमारी को ग्रहण कर लिया है उसका नाम अंग्रेजी में कुछ होगा हिंदी में कुछ होगा और उस सिम्टम की लोग दवाई करेंगे लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अपने इस ओरिजोनटल वर्ड आई मीन इंटीग्रेशन को भी ठीक कर लें अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो मैं अब आपके साथ दस अनुभव आपको दे रहा हूँ उन अनुभवों को आप करिएगा इमीडिएटली आप अपने माइंड को अपने ब्रेन को एक बार फिर मोल्ड कर लेंगे और आप ऐसा कुछ करेंगे कि आप इंटीग्रेटेड फील करेंगे अपने आप में आप आई I मीन mean, पूरी तरह से होलनेस को फील करेंगे और अगर आप कहीं ये मानते हैं कि आपके अंदर का डॉक्टर सोया हुआ है वो आज जागृत होने के लिए तैयार है असलियत में आपके पास ये डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है गड़बड़ ये रहती है कि हम इसे अपनी गलती से बेहोश कर देते हैं या इसे काम करने से मना कर देते हैं हम अपने अनुभवों को इस तरह से कलेक्ट करने लगते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव मैसेज जाना था वर्टिकली वो पॉजिटिव नहीं जाता नेगेटिव जाता है याद रखिएगा जो भी आपका बॉडी कुछ भी कर रही है उसका मैसेज कहाँ से जा रहा है कौन है आपके जो हार्ट को बीट कर रहा है कौन है जो आपके मीडियम को एसिडिक या बेसिक बना रहा है एल्कलाइन बना रहा है कौन है जो आपके नसों में आई I मीन mean, एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ये सब आपका माइंड ही तो है पर फ्रेंड्स इस माइंड के साथ तो हमने गेम खेला हुआ है याद रखिएगा जो माइंड पूरी तरह से साफ प्योर या पवित्र होना चाहिए वो पूरी तरह से गार्बेज से भरा हुआ है वो पूरी तरह से बहुत सारी ऐसी इमोशन से भरा पड़ा है जिससे हमारा इंटीग्रेशन समाप्त हो गया है अब मैं उन चीज़, दस चीज़ों की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप जुड़कर एक बार फिर अपने आप के साथ वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो सकते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइज करूंगा कि आप ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें मेरी वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल होती है इसलिए एक एक पॉइंट को आप या तो नोट कर लिया करें या एक बार फिर आप इस वीडियो को देख लिया करें अच्छी लगे तो आप लोगों को जरूर शेयर करिएगा आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और अगर आपको कोई भी ऐसी इश्यूज है ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पार नहीं मिल रहा है यानी कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप लिखिएगा जरूर मैं जरूर आपके उस इशू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप उससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं ये मेरा आपसे वायदा रहेगा चलिए अब बात करते हैं कि कौन से वो दस पॉइंट हैं जिनके साथ आप जुड़ें पहली चीज़ है कि जब हाँ न्यूरो साइंटिस्ट ने यह पाया गया कि आखिर कौन सी वो चीज़ें जिनके द्वारा आप अपने आप को वर्टिकली इंटीग्रेट कर लें तो उनमें से पहली चीज़ पाई गई है कि आप के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जहां आप खुद से नाराज हैं ये वही मोमेंट है जब आप खुद से नाराज़ हैं तो आपका जो इमोशनल यानी कि राइट माइंड है वो लॉजिक से परे जाकर उसने अपने आप को एक गार्बेज के साथ भर लिया है सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप को फॉरगिव करना शुरू करें ये फॉरगिव करना इतना आसान नहीं है फिर भी आप किसी भी फॉरगिव टेक्निक को लगा सकते हैं बचपन में आपके पास बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ पर आप अपने आप से खुश नहीं हैं आपके पास रिग्रेट हो सकता है आपके पास कुछ और गिल्ट रूपी चीज हो सकती है अपराध बोध हो सकता है अगर वो पड़े हैं तो आप उनसे निकलिएगा निकलने के तरीके आपके पास बहुत सारे होंगे मैं भी आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगा हर एक आदमी इसीलिए कहता है जैन मास्टर्स भी यही कहते हैं हमारे योगीज गुरु भी यही कहते हैं और हमारे सीनियर्स भी यही कहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को फॉरगिव करते रहो यद्यपि अपने आप को फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता लेकिन आपके लिए जरूरी है अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं इस इंटरनल डॉक्टर को जगाना चाहते हैं दूसरी चीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वह है कि आप एक विजुअलाइजेशन करें जहां पर आप डेथ को ड्रैग करते हुए देखें यानी कि आप अपने सामने अगर आप कभी भी बीमार पड़ता है कोई भी व्यक्ति उसे लगता है कि अब तो मेरी लाइफ छोटी हो रही है और एक वर्ड उसके अंदर आ जाता है फियर ऑफ डेथ याद याद रखेगा ये फियर ऑफ डेथ जब आप बार 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 इसके बारे में सोचते हैं तो आप बेसिकली इसकी रियलिटी को इंटरनली बना लेते हैं आपका दूसरा काम है कि डेथ का जो आपका परसेप्शन है डेथ का जो आपका सिंबल है इसे आप दूर सरकाइए एक बड़े राइटर को मैंने आई मीन जब पढ़ा और मैंने उसकी एक एक्सरसाइज को शेयर किया आई मीन अप्लाई किया तो मुझे लगा कि ये सब के लिए शेयर होनी चाहिए कभी भी जब आप इस तरह के अनुभव से गुजर रहे हो आपके पास ऐसा लग रहा हो कि बीमारी लाइलाज हो गई है नज़दीक ही आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद या थोड़ी दूर के बाद जिंदगी में आपको अंधेरा मिल रहा है तो समझ लीजिए फियर ऑफ डेथ आपके अंदर आ चुका है डरिएगा नहीं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करिए, का इमेजिन करिए कि आपके सामने कुछ दूरी पर डेथ नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है और उसे कोई भी मान लेते हैं कोई आई मीन I mean, पशु है या कोई भी जानवर है मान लेते रैबिट है वो पकड़े खड़ा है आपके सामने डेथ ना इमेजिन करिए कि आप उसको ऐसा इस तरह से कह रहे हैं या बता रहे हैं कि वो दूर चला जाए और जैसे इमेजिन करिए कि आप उसे दूर भेज रहे हैं तो वो इनफाइनाइट यानी कि आपसे अनंत दूरी पर चला गया है अब आपको वो डेथ नाम का जो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है और अब आप इमेजिन करिए कि इस बीच में जो आपका डिस्टेंस आया है उम्र का उसके ऊपर खूब सारी लाइट डालिए रोशनी डालिए हवा डालिए और अपने आप को सेव करिए आप इसे गहराई तक करके देखिएगा पाँच सात बार आपको ये डेथ का जो बोर्ड है दिखाई देना बंद हो जाएगा आप इमीडिएटली इस फियर से बाहर आ जाएंगे याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारे माइंड को पहुंचाता है फ्रेंड्स वो फियर है और उसमें भी फियर ऑफ डेथ है तीसरी चीज आप इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पैटर्न आ जाते हैं वो लोग बहुत बीमार होते हैं ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को पच्चीस सालों में देखा है जो देखने में बाहर से बिल्कुल ठीक है अच्छा खाना खाते हैं पर वो बार बार कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेते हैं पता है इसका कारण क्या है क्योंकि उनके अंदर किसी को बर्बाद करने का पैटर्न होता है और वो पैटर्न बाहर तो निकलता नहीं खुद के ऊपर माइंड अप्लाई कर देता है इसे हम रिवेंज कहते हैं यानी कि बदला लेने की भावना अगर आपके पास ये इमोशन है तो इसे जल्दी से निकालिएगा क्योंकि जब भी आपके पास रिवेंज रहेगा तो जरूरी नहीं है कि आप रिवेंज को दूसरे से निकाल पा रहे हो और निकाल भी रहे हैं तो भी वो खतरनाक ही है और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं किसी भी तरह से उस रिवेंज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो माइंड में पड़ा हुआ पैटर्न किससे रिवेंज निकालेगा जो आदमी सबसे नजदीक उसके होगा और सबसे नजदीक कौन है आपके ब्रेन के आप इसीलिए कई बार लोग अपने अंगों का को बर्बाद इस तरह से करते हैं मानो वो रिवेंज ले रहे हो जबकि वो कॉन्शियसली जीना चाहते हैं लॉजिकली लेफ्ट ब्रेन से वो यही कहेंगे कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन राइट right ब्रेन में उनके इमेज आई मीन रिवेंज बढ़ा पड़ा है और वर्टिकली उस रिवेंज को वो कहां पास कर देते हैं अपनी बॉडी में आप इसको जरूर हटाइएगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी के पास है अगर आपके पास है तो इस रिवेंज को हटाइएगा और ये अपने आप हटना शुरू हो जाएगा अगर आप खुद को फॉरगिव कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे लोगों को भी फॉरगिव कर रहे हैं पांचवी चीज़ आई मीन चौथी चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बीमार करने के बाद आपकी उम्र को जो छोटा करता है वो है आपका कोर्टिसोल कोर्टिसोल बेसिकली फ्रेंड्स एक ऐसा आई मीन तत्व है या हार्मोन है जो सिर्फ इमरजेंसी में निकलना चाहिए असलियत में कोर्टिसोल को निकोल निकालने वाले जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो हमारी किडनी के ऊपर रखी होती हैं तो एक काम करिएगा कि, कि कोर्टिसोल को रिजोल्व करना शुरू करिएगा इसके दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप विजुलाइज करें कि आप किडनी के ऊपर जो आपके दो ग्लैंड हैं आप उनके साथ बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि शांत हो जाइए और आप डीप ट्रांस में जाकर उनको शांत होते हुए देखिएगा ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है ये मेरा आजमाया हुआ है दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप योग निद्रा जैसी कोई भी कला आपको आती है कोई विजुलाइसन आप करते हैं तो इसका मीनिंग बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है योग निद्रा से आपका कोर्टिसोल आई I मीन mean, निकलना अननेसेसरी बंद हो जाता है इसे हम स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी भी कहते हैं मेरी भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं यहां पर शेयर करूंगा आप कम से कम दिन में एक बार योग निद्रा जरूर करें जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपका ये जो नुकसान देने वाला स्ट्रेस केमिकल है जो सिर्फ इमरजेंसी में निकलना चाहिए ये बंद हो जाएगा पांचवी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और पांचवी चीज है कि आप एंटी एजिंग एंटी एजिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें विजुलाइजेशन करें और एंटी एजिंग विजुअलाइजेशन बहुत आसान है कोई भी विजुअलाइजेशन आप मेडिटेशन के रूप में करें जब आप किसी भी आई मीन स्ट्रेस में होते हैं थकान में होते हैं तो आराम आप करना चाहते हैं लेकिन आप बॉडी से आराम करना चाहते हैं कभी आप अपने माइंड से आराम नहीं करना चाहते माइंड में वही थोड़े चलते रहते हैं तो आप आराम करने के बावजूद भी आराम नहीं करते हैं। यानी कि आप रेस्ट में भी रेस्टलेस का रेस्टलेसनेस का अनुभव करते हैं ये बहुत गलत बात है आप दिन में कम से कम एक बार अपने आप को पूरी तरह से मेडिटेटिव स्टेट में ले जाएं। जो भी आपके पास मेडिटेशन की कला आती है आप अपने सांसों को देखना शुरू करें आप विपासना का कोई अगर आप ये न उसे जरूर करें आप अपनी सांसों को एक तरीके से ऑब्जर्व करने का काम करना शुरू कर दें या फिर आप एक छोटा सा ट्रांस क्रिएट करना शुरू करें कि आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर लें जो मैं यूज़ुअली अपनी एनएलपी की वर्कशॉप में सिखाता हूं और आप अपने पिक्चर को देखना शुरू करें कि यू आर गेटिंग यंगर आप धीरे धीरे यंग होते जा रहे हैं समय के साथ साथ और जैसे ही आप इस इमेज को एंजॉय करना शुरू करते हैं तो आपके लिए ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज का काम करती है क्योंकि हमारा ब्रेन ये तो आपने मान ही लिया कि जो भी हमारे ब्रेन में पड़ा होता है वही हमारी बॉडी में होता है छोटी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए वो है कि आप अपने सेल प्रोटीन के बारे में समझना शुरू करें हमारे पास इस इस वर्ड का क्लियरिटी नहीं है हमारा आप।, आप सेल प्रोटीन को समझने की कोशिश करें आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं आपके पास बालों की सेल्स हैं आपके पास मसल्स की सेल हैं अप आप आपके पास स्किन की सेल्स हैं आपके पास हड्डियों की सेल हैं और इनका काम क्या है इनका काम है कि ये अपनी अप, ये उसी पर्टिकुलर चीज के लिए अपनी प्रोटीन क्रिएट करें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हेयर सेल्स है तो ये कौन सी प्रोटीन क्रिएट करेगी ये हेयर प्रोटीन क्रिएट करेगी फिर हमारे बाल खूब बढ़िया रहेंगे किसी भी उम्र में फिर आपकी जो स्किन सेल्स है वो कौन सी प्रोटीन पैदा करेगी उसका नाम कोलाजन है तो उसका काम कोलाजन होना चाहिए अगर आप मसल्स की इलास्ट आई मीन बात करेंगे तो इलास्टिन नाम का प्रोटीन उसको पैदा करना है उसी तरह से बोन्स का और हर प्रोटीन अपना काम जानती है क्योंकि प्रोटीन के अंदर एक ब्रेन होता है उस ब्रेन का नाम जीन होता है याद रखिएगा उस जीन के ऊपर कई बार हम गलती से बीमारी लिख देते हैं क्या लिख देते हैं बीमारी वो कब लिखा जाता है जब हम माइंड से बहुत सारे थॉट को नेगेटिवली सोचते रहते हैं बेकार का गार्बेज यहां पर रखते हैं तो ये थॉट हमारे न्यूरोपैप्टाइड के द्वारा प्रोटीन के द्वारा हमारी जीन पर चले जाते हैं साइंटिस्ट, और न्यूरोसाइंटिस्ट इसको साइकोलॉजिकल जीन कहते हैं यानी कि हमारे पास एक प्यारी सी जीन थी पर आपने उसका बिहेवियर ही बदल दिया उसका काम था कि वो अपनी सेल के द्वारा सेल प्रोटीन को क्रिएट करे लेकिन आपने अपने तनाव के कारण आपने अपने इन बेकार के गाज पे गारबेज के कारण उस सेल के बिहेवियर को ही बदल दिया भाई ऐसा ना करें फिर आपका जवाब होगा ऐसे इसके लिए क्या करें इसके लिए मैं नई वीडियो भी बना रहा हूँ आपको लेकिन एक टेक्निक यहां से बता देता हूं आप अपनी उस मेमोरी में जाए जहां पर आप खूब हंसा करते थे आप अपने पास्ट में उन ट्रेजर्स में जाए जहां आप खूब खेला करते थे आप उस मोमेंट में जाए जहां आप मस्त रहा करते थे बिंदास रहा करते थे उस प्लेफुल जोन को एंजॉय करिए जिसे आप कहीं पीछे छोड़ आए दिन में कई बार आपके पास मौका होता है कि बेकार की न्यूज ना सुने बेकार की बातें ना सुने बेकार के लोगों के साथ बात करने से कुछ नहीं मिलेगा बेकार के टेक्स्ट पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होगा आप अपने पास्ट में चले जाइए और उन मोमेंट को जिए जहां पर आप बिंदास लाइफ जिया करते थे धीरे धीरे आपकी सेल की प्रोटीन उसी मोमेंट के, सा, के साथ ट्रिगर होना शुरू हो जाएगी एनएलपी में जब भी आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मैं आपको एंकरिंग नाम की टेक्निक सिखाऊंगा आप कभी भी अपनी स्टेट को बदल सकते हैं कॉन्शियसली और वही स्टेट का नतीजा ये होगा कि आप अपने माइंड का जागरण कर रहे हैं यानी कि माइंड को जागृत कर रहे हैं सातवीं चीज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा उतने ही इंपॉर्टेंट कि याद रखिएगा आप अपनी लाइफ में लाइफ एनहेंसिंग एक्टिविटी तो करिए आप एक मीनिंग तो ढूंढिए और वो मीनिंग मिलेगा कि आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरी उम्र तो हो गई मैं क्या करूंगा गोल बनाकर अब ऐसा नहीं है आपके लिए हर उम्र में गोल बनना चाहिए मैं एक गाय गायनाम की एक बुक पढ़ रहा था जापान का एक टापू है ओकिनावा वहां पर लोग 105, 110, 115, 120 साल तक जीते हैं 95 फाइव ईयर्स ओल्ड की एक लेडी ने अजगर ने जब उसके ऊपर अटैक किया उसकी पूँछ पकड़कर झटके से मार दिया ये वहां का बेसिकली पैटर्न है लोगों का उनकी एक चीज़ खास पाई गई इकी गाय में तीन चीज़ें करते हैं लेकिन एक चीज़ खास पाई गई कि हर आदमी के पास अगली सुबह उठने के लिए एक गोल होता है एक लक्ष्य होता है लेकिन कई बार हमें यह पढ़ाया जाता है नहीं नहीं रिटायरमेंट की लाइफ ले लो अरे रिटायरमेंट को देखो तो रिटायर हो जाएंगे आप अगेन आप आई I मीन mean, टायर्ड होना शुरू हो जाएंगे हमेशा एक गोल बनाइए कल सुबह मुझे क्यों उठना है इसका एक प्यारा सा गोल आपके पास होना चाहिए याद रखेगा ये जि, जितने भी लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं जो भी लक्ष्य की तरफ जाते हैं आप रेयरली उनको बीमार पड़ते हुए देखेंगे रेयरली उनको डिप्रेशन में जाते हुए देखेंगे क्योंकि वो गोल बना रहे हैं तो जब अगर आप माइंड के डॉक्टर को इग्नाइट करना चाहते हैं तो उसको बताइए कि आपके पास जिंदा रहने के बहुत सारे कारण हैं आप कल सुबह क्यों उठे आपकी परसों सुबह क्यों आए आपके लिए लाइफ में आपके पास कोई ना कोई बढ़िया सा कारण होना चाहिए यूनिवर्स को बताएंगे तो यूनिवर्स भी उसको रेस्पॉन्ड करेगा आठवीं चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपके पास बहुत सारे नेगेटिव रेफरेंस हो सकते हैं ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जहां पर आप खुश नहीं हैं इन्हें हम रेफरेंसेस कहते हैं आप उनसे अपने आप को कई बार दूर से देखा करो हो सकता है कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आई हो कि आप अपने रोल को पूरा नहीं कर पाए आप एक पत्नी थी रोल पूरा नहीं हुआ आप एक पति थे आपसे रोल पूरा नहीं हुआ आप एक फादर थे आपसे रोल पूरा नहीं हुआ अब एक तरीका है या तो उसी मोमेंट को जीते रहो कि 20 साल पहले मुझसे ये गलती हो गई थी तो इसका मतलब है तो अभी भी उसी मोमेंट को जी रहे हैं आप रोल अलग है आप अलग हैं जीवन की घटनाएं अलग है जीवन अलग है याद रखिएगा जीवन की इवन पहचान अलग है आपके जीवन में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पहचान अलग है आपका जीवन अलग है याद रखिएगा जीवन की घटनाओं को एक तरफ रखिएगा आप जीवन को एक तरफ रखिएगा घटनाओं को मत जिए जीवन को जिए जब आप अपने घटनाओं को जी रहे हैं उन घटनाओं में कई बार नेगेटिव है फिर कैसे काम चलेगा और नाइन्थ चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपको सभी जगह बताया जाता है और वो है कि आप अपने माइंड के अंदर अपने आई मीन ब्रेन के अंदर बढ़िया सी इमेजेस को डालना शुरू करें इन इमेजेस में बहुत सारी आशा होनी चाहिए इन इमेजेस में खुशी होनी चाहिए ये इमेजेस अपने मेंटल स्क्रीन पर भर लीजिएगा इन इमेजेस को इतना अधिक इतना अधिक इतना अधिक, इतना अधिक बनाना सीखिएगा कि इनका जो इम्पैक्ट है जिसको हम इमोशन कहते हैं वो इतनी पॉजिटिव बन जाए कि जो आपका वर्टिकल कनेक्शन टूटा हुआ है वो एक बार फिर बन जाए यहाँ पर सूख गया आपका फाउंटेन याद रखेगा इसीलिए तो ये ज़मीन सूख गई है इस फाउंटेन को एक बार फिर हरा कर लीजिएगा ज़मीन फिर एक बार उपजाऊ हो जाएगी याद रखेगा आपकी बॉडी तो सिर्फ आपकी कमांड के इंतजार कर रही है न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं जितने भी लोग खूबसूरत इमेजेस के साथ जीते हैं वो हमेशा अपने डोपामाइन को रिलीज कर लेते हैं एक इमेज आपके बेहतर भविष्य की याद रखेगा आपके रुके हुए डोपामाइन के फाउंटेन को एक बार फिर ताजा कर सकती है ये मैं नहीं कह रहा हूं कितनी भी किताबें पढ़ लीजिएगा इवन अगर आप एक गोल भी बना ले एक आशा बना ले या अपने फ्यूचर को खूबसूरत तरीके से देख लें जितना डोपामीन आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए उतना तो आप सिर्फ इमेजिनेशन से निकाल सकते हैं ना कमाल की बात आप इस डॉक्टर के आप इस चिकित्सक के आप इस वैद्य के जितने भी कार्य हैं इन पर शक ना करें बस इसको फॉलो करते रहें और दसवीं चीज़ ये है कि आपके पास कई बार बहुत सारा ऐसा I mean, आई मीन समाचार आएगा खबरें आएंगी जहां पर आप खुश नहीं होंगे बहुत सारी ऐसी इवेंट देखेंगे बहुत सारी न्यूज़ सुनेंगे ठीक है ना और अचानक ऐसा लगेगा कि अंदर आपके रुदाली या डिप्रेशन या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक एक डिस्कम्फर्ट सा चल रहा होगा याद रखिएगा ये वही मोमेंट है जब आपने ऊपर के गार्बेज को वर्टिकली डिसइंटीग्रेशन में डाल दिया है ये बहुत गलत कर रहे हो आप फिर क्या करें आज एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप दिन में तीस सेकेंड के लिए इस मैजिक को कर लीजिएगा और आप अपने लिए जीवन दायनी नाम का हार्मोन है एंडोल्फिंग्स और वो बेहद जरूरी है अगर आप अपनी बीमारी को यूट्रन देना चाहते हैं Endorphins का स्पाइक बढ़ाने के लिए एंडोर्फिन की endorphins की रिवर्स को चालू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना तीस सेकेंड के लिए इनर लाफ कर लीजिएगा आप अंदर से इमेजिन करिए कि आपका हार्ट हंस रहा है आपका हेड हंस रहा है आपके लंग्स लीवर किडनी अपेंडिक्स जोड़ जॉइंट्स नसें सब हंस रहे हैं और इमेजिन करिए कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स हंस रही हैं और उस हंसते 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 मोमेंट को जब आप जी रहे होंगे आप अपने लिए एंडोरफिनस को रिलीज़ कर रहे होंगे और कोर्टिसोल उस समय पूरी तरह से जीरो हो चुका होगा ये रहे वो दस फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई जल्दी ही मैं आपको और खूबसूरत वीडियोस तो ऐसे ही देता रहूंगा आप बने रहिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट जरूर लिखिएगा अपना ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते रहिएगा थैंक यू वेरी मच